करतारपुर कॉरिडोर के काम में तेजी लाने के मुद्दे पर आज भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत जारी है। वाघा बॉर्डर पर भारत की ओर से संयुक्त सचिव एचसीएल दास और दीपक मित्तल और पाकिस्तान की ओर से साउथ एशिया साक के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर मोहम्मद फैजल शामिल हुए हैं। साथ ही पाकिस्तान के डेलीगेशन में 20 सदस्य हैं। इस बैठक से पहले अकाली नेता दलजीत सिंह चीमा ने खुलासा किया कि करतारपुर गलियारे के सहारे पाकिस्तान खालिस्तान को दोबारा जीवित करने की कोशिश कर रहा है। रक्षा विशेषज्ञ भी पाकिस्तान की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। विशेषज्ञों का दावा है कि सिखों का हित कभी भी पाकिस्तान के एजेंडे में नहीं रहा है। बैठक से पहले पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मोहम्मद फैजल ने क्या कहा, आप भी सुनिए। As promised by the Prime Minister, Pakistan is fully committed to operationalizing the Kartarpur Sahab corridor for the 550th anniversary. Work on our side proceeds expeditiously, with more than 70% of the Gurdwara complex, terminal building and road being completed. We hope to have productive discussions to materialize this corridor of hope and faith into reality. I thank you all. और आज के सियासी हालात को देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी जिन विधानसभा सीटों पर जीती है वहां तो उसके सदस्य होते ही हैं, लेकिन जिन सीटों पर नहीं जीतती वहां दूसरी पार्टी के विधायक बीजेपी का दामन थाम लेते हैं। गोवा में कांग्रेस के 10 विधायकों के बीजेपी में शामिल होने के बाद अब पश्चिम बंगाल बीजेपी ने दावा किया है कि दूसरे दलों के 107 विधायक अब उनके संपर्क में हैं। और दीदी देख लेना, 23 तारीख को जब नतीजे आएंगे, चारों तरफ कमल खिलेगा, तो तुम्हारे विधायक भी आपको छोड़कर के भाग जाएंगे। दीदी देख लेना, आज भी दीदी तुम्हारे 40 विधायक मेरे संपर्क में है, आज भी। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी का ये दावा क्या सच था? पीएम मोदी ने चुनावी हमले के दौरान ये दावा किया था। दावे को महज एक जुमला करार दिया गया था, लेकिन करीब 2.5 महीने बाद बीजेपी ने ऐसा दावा किया है जिसे सुनकर जानकर न केवल कांग्रेस लेफ्ट बल्कि ममता बनर्जी की भी नींद उड़ गई होगी। विधायक देखो जरा दल चाहिए, 107 विधायक দল ছাড়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। তৃণমূল আছে, সিপিএম আছে, কংগ্রেস আছে, সব মিলিয়ে আছে 107। বেশি কম নয়, স্বাভাবিকভাবে সংখ্যা ওদের বেশি। सियासी फायदे नुकसान के लिए आया राम गया राम वाली कहावत आम है, लेकिन यहाँ तो एक दो नहीं 107 विधायकों के पार्टी छोड़ने और बीजेपी में शामिल होने का दावा किया जा रहा है। बीजेपी नेता मुकुल रॉय के इस दावे में कितनी सच्चाई है इस बात पर अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन गोवा कांग्रेस के अनुभव से पश्चिम बंगाल बीजेपी का ये दावा कुछ हद तक जरूर भूचाल ला सकता है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में कुल 294 सीटें हैं। विधायक देखो जरा दल चाहिए, 107 विधायक दल छाड़ने के लिए प्रस्तुत हो गए। 2016 विधानसभा चुनाव में टीएमसी को 211 सीट मिली थी, जबकि बीजेपी सिर्फ 3 सीट पर सिमट गई थी। कांग्रेस 44 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रही तो लेफ्ट को महज 26 सीट पर संतोष करना पड़ा था। अब अगर बीजेपी के दावे को सच मान लिया जाए और कांग्रेस लेफ्ट और टीएमसी के 107 विधायक बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो भी बीजेपी के सदस्यों की संख्या 110 होगी, जो बहुमत के आंकड़े 148 से काफी दूर है। ऐसे में ममता सरकार को फिलहाल कोई खतरा नजर नहीं आ रहा, लेकिन एक सवाल ये भी है कि 107 विधायकों में से ममता बनर्जी के कितने विधायक शामिल होंगे। पूजा मेहता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।